Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Na computer na file. Ab tally data on mobile. Biz Analyst ke saath. भारत में लोग बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत में 5G टेक्नोलॉजी के आने की। इस तेज रफ्तार इंटरनेट को भारत में चलाने के लिए सरकार ने अब कमर कस ली है। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G को लेकर घोषणा कर दी है, जिसके मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जून की शुरुआत में हो सकती है। वहीं दूरसंचार नियामक यानी ट्राई 5G सेवाओं को लागू करने को तैयार है। आपको बता दें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए बेस प्राइस में कटौती करने की बात कही थी, जिसके मुताबिक 700 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज बैंड के बेस प्राइस में कटौती होगी। फिलहाल ट्राई ने 30 साल के लिए 1,00,000 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा के स्पेक्ट्रम के लिए सिफारिश की है। कई बैंडों में बेस प्राइस पर 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मेगा ऑक्शन प्लान तैयार किया गया है। ट्राई ने स्पेक्ट्रम की कीमत 39% कम भी कर दी है। ट्राई ने रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ऑपरेटरों की ओर से एग्रेसिव बिडिंग को अट्रैक्ट करने के लिए इन कीमतों में कटौती की है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि अभी भी ये कीमतें ग्लोबल बेंचमार्क से ज्यादा हैं। सरकार मई तक 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री करना चाहती है, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 5G को लॉन्च किया जा सके। अब आपको बताते हैं कि 5G के आने से क्या कुछ बदलाव हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 5G के आने से इंटरनेट की स्पीड 10 से 20 गुना तक बढ़ जाएगी। इस रफ्तार से किसी भी बड़ी फाइल को आसानी से डाउनलोड और अपलोड किया जा सकेगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाएगी। हाई स्पीड इंटरनेट शहरों को स्मार्ट बना देंगे और बहुत कुछ होगा जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। आसान शब्दों में समझें तो 5G तकनीक में गीगाबाइट्स प्रति सेकंड की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर किया जा सकेगा। 5G तकनीक से 1 सेकंड में 20 गीगाबिट्स डेटा डाउनलोड और 10 गीगाबिट्स डेटा अपलोड हो सकेगा। यानी 5G यूजर्स 1 सेकंड के भीतर 3 घंटे की HD मूवी डाउनलोड कर पाएंगे, जबकि एक 4G यूजर्स को ऐसा करने में कम से कम 10 मिनट तक का समय लग जाता है। हालांकि इसमें मिलने वाली इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड 100 Mbps और अपलोडिंग स्पीड 50 Mbps तक ही होगी। ये स्पीड कितनी ज्यादा होगी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि फिलहाल भारत में मौजूद 4G LTI के जरिए सिर्फ 40 Mbps डाउनलोडिंग और 25 Mbps अपलोडिंग स्पीड ही मिल पाती है। यानी ये पूरी तरह 4G तकनीक से अलग होगी। ये नई रेडियो तकनीक पर काम करेगी और सब कुछ बदल कर रख देगी। फिलहाल 5G को लेकर दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में 5G ग्राहकों को 1 Gbps इंटरनेट स्पीड की सुविधा मिल रही है। अभी 5G दुनिया के 68 देशों में शुरू हो चुका है। भारत में 5G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन्स भी आ चुके हैं, तो बस इंतजार चंद महीनों का है और फिर आनंद लीजिए इस इंटरनेट की सुपर पावर का और सुपर रफ्तार का।